हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन और रिजल्ट का वेट बढ़िया से चल रहा होगा। हर जगह जितना मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पे जितना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, व्हाट्सअप पे, कॉल पे, बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है, सर IRT का रिजल्ट कब आएगा, आंसर क्या होगा, सर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि अभी UP पॉलिटेक्निक का आज पेपर ख़त्म हुआ और आंसर की भी आ गया, और देखा जाए तो 13 को रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा UP पॉलिटेक्निक का। तो IRT वाले बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा कब आएगा। ठीक है, और एक वीडियो मैंने जारी किया था और मैंने बताया भी था कि आपका जो रिजल्ट आएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, और काउंसलिंग 10 से 12 दिन लगेगा आपका, 10 से 12 दिन काउंसलिंग हुआ और सितंबर के लास्ट में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी अक्टूबर से आप कॉलेज जा सकते हैं, सितंबर के लास्ट से आप कॉलेज जा सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चे कॉल न करें मेरे पास और मैसेज न करें सर कब होगा। मैं फाइनल लगभग मैं बता देता हूँ आपको कि आज 4 तारीख है, 6 या 7 तारीख तक जहाँ तक मेरा अनुभव है, अपना 3 साल का अनुभव है, तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं बात करूँगा तो 6 या 7 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 6 या 7 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जितने भी डेट हम लोगों ने आज तक UP बिहार झारखंड कहीं के एग्ज़ाम का, एडमिट कार्ड का, काउंसलिंग का, जो भी हमने प्रिडिक्ट करा है, एकदम 100% सटीक बैठा है। ठीक है, क्योंकि अनुभव के आधार पर हम लोग बताते हैं, रियल चीज़ें आपको बताते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है 6 या 7 तक, अब आप 8 भी कह दो, हार्डली, हाँ हार्डली जाएगा तो 8 तक भी जा सकता है, लेकिन 6 या 7 तक मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा IRT का। और कितने पे क्या सिलेक्शन हुआ, कैसे क्या हुआ, ये बात मैंने अलग वीडियो में बना रखा, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं 2021 IRT पॉलिटेक्निक के सेक्शन में। ठीक है, कितने क्वेश्चन पे कितना होगा, आप कमेंट करोगे, रिप्लाई जल्दी मिल नहीं पाएगा, कहाँ से इतना रिप्लाई कोई कर पाएगा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सब पे अलग अलग सेपरेट मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अभी UP पॉलिटेक्निक का बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, सर इतना नंबर है, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उससे घबराओ मत, जितना भी नंबर आपके पास है अब वेट कर लो थोड़ा सा, काउंसलिंग 14 से स्टार्ट हो जाएगा, 13 को रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट बन जाएगा, रैंक आ जाएगा, सारा कुछ हो ही जाएगा, तो टेंशन किस बात की है। अगर आपको पता करना कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कैसे क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो बना कर रखा है। ठीक है, उससे कम नंबर में मिल सकता है, ज़्यादा में मिल सकता है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। पिछली बार तो 150 बच्चों में, 150 नंबर में, 100 नंबर में बच्चों को मिले थे हीवेट कॉलेज, सोचो, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जितना भी नंबर है मैं बताऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग करवाना है, आप काउंसलिंग करवाना। ठीक है, मैं जैसे आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, ठीक है, और बेल आइकन दबा कर रखना, क्योंकि रियल चीज़ें आपको बताएंगे कैसे काउंसलिंग करवाना है, कैसे काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि बच्चे काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं और क्या होता है, उनको कॉलेज नहीं मिल पाता अच्छा नंबर लेने के बाद भी। मैं बताऊंगा सटीक तरीके से कैसे काउंसलिंग करवाएंगे आप, तो आपको क्या होगा, बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज, बढ़िया सा ब्रांच आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो चैनल पर बने रहना और सब्सक्राइब करने के लिए, वैसे मैं कभी बोलता नहीं, आपको पता भी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, व्यू आते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि YouTube स्टूडियो मेरे दिखाता है पूरा, सिर्फ 25% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं। तो क्यों भाई, सब्सक्राइब करने में पैसा लगता नहीं आपका, थोड़ा सपोर्ट आप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आई होप कि IRT की नॉलेज आपको फील हुई होगी, और जो भी अपडेट होगा आपको ज़रूर बताया जाएगा, सबसे पहले रियल कॉन्सेप्ट ही बताया जाता है, आपको पता भी है, और रियल चीज़ें। तो तब तक के लिए ओके, मिलेंगे अगले दिन, थैंक यू सो मच।